गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नमिष्ठा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। ओके, सो नमिष्ठा, वी आर डूइंग आवर लेफ्ट ओवर चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। वन सेकेंड मैम, माय यस, बुक। ओके। डन मैम, आई गॉट इट। ओके, सो येस्टरडे वी कंप्लीटेड द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, राइट? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रांसमिट? सो फर्स्ट इज एयरबॉर्न। Airborne diseases or droplet infection. So, bacteria, spores of fungi, virus enters our body through inspiration and attack our throat. ठीक है, so जो bacteria स्पोर्स ऑफ फंगाई एंड वायरस इट एंटर्स आवर बॉडी और हमारे थ्रोट को अटैक करते हैं, अटैक आर थ्रोट, विंड पाइप, एंड लंग्स। मैम, जो कोरोना कैन बी सेड एज अ कम्युनिकेबल डिजीज, यस एयरबॉर्न यस कम्युनिकेबल डिजीज। यस यस ओके मैम। सो नेक्स्ट है कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन सलाइवा एंड ब्लड। सो जो हमारे सलाइवा और ब्लड में माइक्रोब्स होते हैं, सलाइवा एंड ब्लड। सो व्हेन पर्सन स्नीजेस इन पब्लिक प्लेसेस, सो क्या होता है जब पब्लिक प्लेस में स्नीज करते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, तो ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इन एयर एंड ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन, राइट? इसलिए ही हम मास्क वगैरह लगा के रखते हैं कोरोना में, ताकि हम लोग, हाँ, राइट, यू नो ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क। यस मैम। यस, सो नाउ व्हाट आर वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न डिजीजेस? वाटर बॉर्न मैम, डायरिया कैन बी सेड एज वाटर बॉर्न एंड फूड। यस यस, वाटर बॉर्न डिजीज।
सो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि वाटर इज पॉल्यूटेड इन मेनी वेज, राइट? तो किस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है? डंपिंग ऑफ सीवेज वाटर इन वाटर बॉडीज, राइट? तो डंपिंग होती है, डंपिंग ऑफ सीवेज या फिर वेस्ट मटेरियल, एंड वाटर बॉडीज, सो इट कॉज डिजीज, या फिर कैसे होता है कि अनक्लीन फूड कंटेन bacteria and eggs of parasites so if not washed properly then diseases like क्या होते हैं डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है? तो सही से वॉश नहीं किया होगा तो क्या होगा, डायरिया डायरिया एंड वॉमिटिंग. सो अब ये तो हमारे थे वाटर बॉर्न एंड फूड डिजीजेस के बारे में. अब हम बात करते हैं इंसेक्ट बॉर्न या वेक्टर बॉर्न. इंसेक्ट बॉर्न और वाटर बॉर्न. सो ऑर्गेनिजम्स विच कैरी डिजीजेस कंटेनिंग pathogens to a healthy person without getting affected. ठीक है, so contact diseases spread from one person to another directly or indirectly या फिर unsanitary toilet habits should be avoided. So should be avoided. So iske example kya hai insect borne aur vector borne ke, इसके एग्जाम्पल्स हैं कंजक्टिवाइटिस, देन चिकन पॉक्स, एंड कॉमन कोल्ड. ठीक है, रोट इट डाउन नविष्ठा. नो मैम. ओके, ये चैप्टर काफी बड़ा है.
Done, ma'am. Okay. तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं वेज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो क्या क्या वेज हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग आवर पर्सनल क्लीनलीनेस बाय टेकिंग अ रेगुलर बाथ एंड गुड सोप एंड शैम्पू. सो पहले हमको अपना पर्सनल क्लीनलीनेस, ठीक है, उसके बाद कवर योर नोज एंड माउथ विद अ टिश्यू और हैंकरचीफ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है. कवर योर नोज एंड माउथ विद टिश्यू और हैंकरचीफ, राइट, वाइल कफिंग और स्नीजिंग. कब कफिंग और स्नीजिंग. सो डू नॉट फॉरगेट टू थ्रो द टिश्यू, ठीक है. अगर हम वही इंफेक्टेड टिश्यू जो है अपने साथ रखेंगे, फिर हमारे हैंड्स में भी वो जर्म्स लग जाएंगे, और फिर हमने जिस चीज को टच किया उसमें भी वो जर्म्स लग जाएंगे, या फिर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर अनहेल्दी पर्सन है उसके थ्रू वो दूसरे पर्सन में चले जाएंगे. नेक्स्ट है, वी शुड अवॉइड यूजिंग बाथरूम ऑफ रेलवे स्टेशन एंड सिनेमा हॉल, ठीक है, हमको अवॉइड करना चाहिए. सिनेमा हॉल. नेक्स्ट है, वी शुड यूज डस्टबिन. नेक्स्ट इज फूड आइटम्स एक्सपोज टू फ्लाइज शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है. Done, Namishta? No, ma'am, I'm writing the last point. Okay. ओके. तो नेक्स्ट है, अभी तक हमने जो बात की थी वो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीजेस की. अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. मैम, जेनेटिक डिजीज कम्युनिकेबल होता है या नॉन कम्युनिकेबल होता है? जेनेटिक हमने इसमें ही पढ़ा था ना, हमने फर्स्ट पढ़ा था आई थिंक. यस मैम. हाँ, सो वो इसी में आएगा. सो हम बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो फर्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है.
So when all nutrients are done in right amount and ratio according to their need, so it is known as balanced diet, right? So हम फर्स्ट इनके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो फर्स्ट है उसकी बात करते हैं, वो है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। सो इट इज नोन एज द डेफिशिएंसी, deficiency of proteins, fats and carbohydrates, इसको हम कहते हैं is called protein energy malnutrition, ठीक है। इसके example क्या है, पशु वर्कर एंड मेरिस्मस। फर्स्ट हम बात करते हैं पशु वर्कर की, इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट्स ड्यू टू पुअर इन डाइट, पुअर इन प्रोटीन्स, डाइट पुअर इन प्रोटीन, तब हमें ये डिजीज अकर होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रोट्रूडिंग बेली, मेंटल रिटार्डेशन, mental retardation, bulging eyes, bulging eyes, ठीक है। Now इसके I'm just coming, give me 2 minutes. ओके, सो नविष्ठा इसके बाद हम मेरिस्मस की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जरा ये बार बार आता रहेगा। सो नेक्स्ट है मेरिस्मस। मेरिस्मस किस चीज की डेफिशिएंसी होता है, इसके इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इसमें चाइल्ड जो है इट सफर्स फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन,
Then no change in skin color and ribs look prominent and becomes thin. उसके बाद ये तो हमने बात की जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं। लीजिए तो vitamins are vital though they are required in small quantities. So इससे जो diseases होते हैं वो है, पहला है night blindness, night blindness किससे cause होती है, caused by deficiency of vitamin A. विटामिन ए। देन सेकेंड हम बात करते हैं रिकेट्स। रिकेट्स आर कॉज्ड बाय विटामिन डी। देन थर्ड इज हीमोलाइसिस and sterility. ये कैसे cause होता है, caused by vitamin E. उसे सुनो So next, yet have you written down, Navishta? Okay. Yes, okay. So next, third is mineral deficiency diseases. So metals and non-metals and their salts are called minerals. Minerals हम किसको कहते हैं? Metal, non-metal and their salts. इसको हम कहते हैं minerals. So they do not supply energy to body. They do not supply energy to body. और क्या क्या ये diseases होते हैं? First है जैसे muscle cramps. मसल क्रैम्प्स किस लिए होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। नेक्स्ट, वीकनेस ऑफ मसल्स और पैरालिसिस, ये कैसे कॉज होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट जो रिकेट्स था
वो कैसे था, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, शुड आई मूव फर्दर? नमिष्ठा, शुड आई मूव और ओके? ओके, नेक्स्ट वी स्पीक अबाउट डिजीजेस। ड्यू टू malfunctioning of organism, so first is diabetes mellitus, so ये क्या होता है, इट इज अ हेरिडिटरी डिजीज। सो व्हेन इंसुलिन सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज इज नॉट इन इनफ अमाउंट, देन इट कैन नीदर यूज द शुगर नॉर स्टोर इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो इसमें क्या होता है, when insulin secreted pancreas is not in enough amount, then it can either Navishta, just give me 2 minutes.
Yes, Navishka. अभी एक सेकेंड दे दूँगा. Yes. So when insulin secreted by pancreas is not in enough amount, then it can neither use the sugar nor store in liver in the form of glycogen. और जो हमें then sugar level becomes high and this is called diabetes mellitus. तो इसमें क्या होता है, then sugar level becomes high और इसको हम कहते हैं diabetes mellitus. Okay, अब हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारा हार्ट डिजीजेस. हार्ट डिजीजेस, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिजीजेस कॉमन है हार्ट डिजीजेस में वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस. ये जो है ये कॉमन डिजीजेस हैं, कॉमन हार्ट डिजीजेस. तो इसमें क्या होता है, the blood vessels that supply blood to heart muscles.
Mom, you're muted. I was speaking and I don't know that I was on mute. Okay. So, coronary artery kya tha? The blood vessels that supply blood to heart muscles and arteries, heart muscles, usko hum kehte hain coronary artery. Theek hai? Jo blood vessels supply karti hain blood ko heart muscles ke paas. Theek hai? और जो आर्टरीज वो हार्ड हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं आर्थरोसिस। सो द ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड ड्यू टू व्हिच हार्ट मसल्स डोंट गेट प्रॉपर सप्लाई, क्योंकि वो हार्ड हो जाती हैं आर्टरीज तो ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है हार्ट के पास. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थराइटिस. नेक्स्ट डिजीज है arthritis. So, ये क्या होता है? It is a joint disease. So, found as two types. अब कौन कौन से two types होते हैं? Rheumatoid arthritis and osteoporosis, osteoarthritis. ठीक है, उसके बाद next जो है वो है cancer. So इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अनकंट्रोल्ड क्यों? सेल डिवीजन. तो इसमें क्या होता है? Malignancy refers to growing mass of cancerous cells. Renal diseases or malfunctioning of kidney due to some reason. If kidney is malfunctioning and waste material accumulating in body is called uremia. So renal disease or malfunctioning of kidney due to some reason, if kidney is if kidney
is malfunctioning and waste material is accumulating in body तो इसको हम क्या कहते हैं यूरेमिया सो ड्यू टू हेडेक एंड एक्सट्रीम फटीग पेशेंट में गो इंटू कोमा ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी सो इट इज unusual hypersensitivity of body tissues so जो substance ये cause करते हैं एलर्जी उनको उनको हम क्या बोलते हैं एलर्जेंस नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थमा की तो अस्थमा इज कॉज्ड बाय व्हेन द respiratory passage become swollen and constricted. So, इसके symptoms क्या होते हैं? कफिंग एट नाइट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ Shortness of breath. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं bites and stings. So It needs immediate medical attention and is dangerous. So, like bite of snake, it may be dangerous and that of mosquito can be serious sometimes in case of carrier. Who's carrying the so next is burns and first aids so
So burns and first aid. So first degree of burn is superficial burn. हम क्या कहते हैं? First degree of burn is इसको हम बोलते हैं superficial burn. Then second degree of burn इसको हम क्या बोलते हैं? Serious burn. Then third degree of burn को हम बोलते हैं severe burn. Okay. Now next is cuts and their first aid. If the cut is not deep, if cut is not deep, so हम इसको क्या कहते हैं? Superficial cut. If the cut is deep, a cloth. If cut is deep, so a cloth or pad should be kept on cut. And bruises हम किसको कहते हैं? Injuries. These are injuries under the skin. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं ways to prevent communicable. नहीं, ways to prevent. हाँ, cleanliness, hygiene. Next page भी करते हैं. Hygiene and exercise. So ये क्या बोलते हैं कि always eat clean and healthy food. क्या क्या हमारे कि हमें हमेशा clean और healthy food खाना चाहिए. ठीक है. Always eat clean and healthy food. Then always wash hands before and after meal, right? Before and after meal. उसके बाद never spit in public places.
उसके बाद नेक्स्ट हमको स्नीज करते हुए अपना माउथ और नोज कवर रखना चाहिए. While sneezing. Next, always take a balanced and healthy diet. Always take balanced and healthy diet. Okay. अभी ये सब हमने बात किया गुड हैबिट्स की जो हमें होनी चाहिए गुड हैबिट्स. अब हम बैड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं. सो पहला है टोबैको एडिक्शन. सो च्यूइंग ऑफ टोबैको मे लीड टू कैंसर ऑफ माउथ राइट. Next is drug addiction. Drug addiction. So symptoms इसमें क्या होता है इसके क्या symptoms होते हैं. Symptoms क्या होते हैं इसके. Nausea, vomiting and pain in stomach. उसके बाद थर्ड बैड हैबिट क्या है. एडिक्शन ऑफ फास्ट फूड. एडिक्शन ऑफ फूड. The next is alcohol consumption. The next is unhealthy lifestyle. Okay. So Navishtha, this chapter is completed. So tomorrow we will discuss the question answers of this chapter. Okay, ma'am. Okay? Okay, so we will meet tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Okay, you too. Bye. Bye. Mama?